हमारी ये प्राचीन शुद्ध नस्लें हैं, जो हमारी भारतीय मूल की जो शुद्ध नस्लें हैं, उन उनमें से एक जो काफी शानदार जो नस्ल है थार रेगिस्तान की, थारपारकर, थार रेगिस्तान के बाद जिसका नामकरण किया गया है, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी पुरानी ब्लड लाइन की। और राकेश निहाल सर, जिन्होंने काफ़ी अच्छा गौ संवर्धन का कार्य यहाँ मोकलावास इस गौशाला में शुरू किया हुआ है, तकरीबन 11 साल से जो संवर्धन का कार्य ये कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, 11 साल पहले मतलब 2008-2009 की अगर हम बात करें, तो उस समय हमारी देसी गोवंश के प्रति कोई रुचि नहीं थी। उस समय सिर्फ और सिर्फ एचएफ और जर्सी और विदेशी रेड एंड गायों का ही बोलबाला था, लेकिन उस समय इन युवा ने अपना ध्यान केंद्रित किया उन नस्लों की तरफ जो कि हम इस क्षेत्र की, जोधपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय नस्ल है थारपारकर। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पुरानी जो ब्लड लाइन है उसको बचाए रखने में इन्होंने जो एक योगदान, एक कार्य किया है, ये काफ़ी सराहनीय है। तो आइए, मैं जानता हूँ कि अक्सर हमारे जो युवा वर्ग है वो उनका जो रुझान है वो देसी गोधन के प्रति हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन शुद्धता को वो कैसे जाने, कैसे पहचाने। तो थारपारकर नस्ल का जो इतना अच्छा ज्ञान और नस्ल का ओल्ड ब्लड लाइन का ज्ञान जो राकेश निहाल सर के पास है, आज आइए वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जीतू भाई। तो बताएं, जो पुरानी ओल्ड ब्लड लाइन है उसकी क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ विशेषताएं हैं जिनसे युवा वर्ग जब कभी भी उनको खरीदता है नस्ल संवर्धन के लिए, तो किन विशेष बातों का वो ध्यान रखे? देखिए, जहाँ तक थरपारकर की बात है, या मैं ऐसा कहूँ कि जो भी अधिक दूध देने वाली गाय है, उसका हमेशा आप देखेंगे कि आगे की जो एक घुटना है ये बहुत छोटा होता है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। जो गाय आगे से ऐसे झुकी हुई रहेगी वो मिल्च कैटल होती है, वो अच्छा दूध देती है। और जो गाय आगे से ऐसे खड़ी रहती है, वो गाय जो है आप देखेंगे कि भार ढोने के या बैलगाड़ी में या हल करने के, वो उस नस्ल को अच्छा माना जाता है। बैल का जो आगे से ऊंची होती है, आप इसको फिर से देखिए एक बार, वहां थोड़ा आप डालिए, इसके आगे से देखिए घुटने कितने छोटे, तो और पीछे से तो देख सकते हैं अगली जो गोडी है, जो घुटने हैं, वो जमीन के तकरीबन काफी निकट है। एक बिलांद एक बार हाथ से नाप करके और दिखाएं, ये देखिए आप इसके नीचे के जो घुटने हैं ये बस इतने, ये देख सकते हैं तकरीबन एक बिलांद, क्योंकि हाँ। सर का भी हाथ थोड़ा छोटा है इसलिए उतना शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक बिलांद के आसपास ही है। और उसके अलावा बताएं, अब हम देखें थरपारकर में, जैसे आप देखें जो इसका गले का कंबल है, ठीक है, मैंने अक्सर देखा है लोग सिर्फ जो सिंह निकाला हुआ होता है जिसको डी ऑर्निंग कहते हैं, उसको बस प्योर थरपारकर मान के लोग ऐसी चलाकी करते हैं कि क्या करते हैं कि गाय का सिंह निकाल देते हैं और वो सामने से ऐसी दिखती है, भाई ये मोडी, हमारे यहाँ मोडी मतलब गंजी टाइप कहा जाता है, तो भाई सिंह ने बोले ये थरपारकर है। लेकिन इसकी पहचान अगर आप देखेंगे, किसी भी गाय की पहचान उसके सिंह और सर से होती है। यहाँ आप देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि ओछी गोडी यानी छोटे घुटने और बड़ो गंबल गल कंबल लटकते उड़ो, मतलब कि लटकने वाला बड़ा गल कंबल और मुट्ठी मुट्ठी मोटा सींग, कैसे मोटे मुट्ठी जैसे बड़े बड़े सींग इसके, हमेशा इस तरह सामने की तरफ आकाश को दर्शाते हुए ऊर्जा लेते हुए सींग जो आप देखेंगे। इसका जो फोरहेड आप देखेंगे माथा, वो हमेशा उभरा हुआ रहता है। और आप इसके देखें, जैसे दो रिब्स के बीच में जो आप ये गैप देख रहे हैं, इस गाय को दूध में बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर इनके बीच में अच्छी स्पेसिंग है तो वो गाय अच्छी दूध वाली मानी जाती है। आप अगर थन में भी देखेंगे, दो थनों के बीच में इसके थन की बनावट आप देखें, दोनों थनों के बीच में चार अंगल का जो हम बताते हैं गैप, कि अगर जैसे एक थन है ये तो दूसरे थन के बीच में इतना गैप होना चाहिए, स्पेसिंग बहुत अच्छी, स्पेसिंग बहुत मायना रखती है कि भाई इधर और उधर के बीच में कितना स्पेस है। दूसरा, मैंने देखा है बहुत बार गाय जो है पीछे से अगर पतली, आप कभी भी नंदी देखेंगे आगे से बहुत चौड़ा होगा, आप ही देखिए पीछे इसका फोरहेड और दिखाई दे रहा है, इसका आप थोड़ा सा माथा आप उसके ऊपर देख सकते हैं जो गंजा कर देते हैं, तो देख सकते हैं डी हॉर्निंग जिन गायों का किया, डी हॉर्निंग जो होती है इस तरह की है, इसका माथा बहुत ऊपर से उभरा हुआ रहता है, ये इसकी मुख्य पहचान रहती है। लेकिन अभी जैसे मूल थरपारकर जो है हमारी, इसका सींग आप देखिए ऊर्जा से, अब इसको बिचारी को ऊर्जा नहीं हो, इसकी ऊर्जा कहाँ से लाएगी, ये जो आकाश की तरफ अपने जो सींग होते हैं वो गाय को फुल ऊर्जा भरी गर्मी के अंदर इन सींगों के माध्यम से अपने आप को ऊर्जा प्राप्त करना। ये जो मैं गल कंबल के बारे में आपको बता रहा था, ये जो गले का कंबल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उसको सहने के लिए केवल गल कंबल यानी गले का कंबल ही इसे मदद करता है कि कितनी भी गर्मी पड़े उसकी ऊष्मा, उसकी जो हीट है उसको ये बड़े आराम से अब्सॉर्ब कर लेती है। कान आप देखें थरपारकर के, तो आप कान कितने बड़े बड़े होते हैं,
मैंने कई बार देखा लोग कहते हैं ये हमारा वो बुल है, ये नंबर है, इतना बड़ा है, लेकिन जब उसके कान देखने जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे कान होते हैं। कानों के माध्यम से भी इनका बहुत बड़ा पहचान होती है कि थरपारकर के कान हमेशा आपको एक गिर में होते हैं, जो ऐसे मुड़े हुए होते हैं, लंबे गिर में भी होते हैं। इनके यहाँ पर आपको ऐसे घुमाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसके कान आपको बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे। और फिर देखिए जो थरपारकर का जो हम्प होता है, यानी कि जो थुम्बी हम कहते हैं, वो कभी भी बहुत प्रोमिनेंट नहीं मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। थरपारकर की थुम्बी हमेशा छोटी मानी जाती है, क्योंकि जितनी बड़ी थुम्बी फिर वापस वही हो गया कि भार ढोने वाला पशु। अगर भार ढोने वाला होगा तो उसकी आपको जो है हम्प बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन इसका नहीं मिलेगा। आंखों में अगर आप देखें, खास करके जीतू भाई, इसकी आंखें बहुत ही सुंदर होती, बहुत ही मनमोहक होती है थरपारकर की। और अभी आप देखिए, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, गले का कंबल, आगे की गोडी, उभरा हुआ माथा, मुट्ठी मुट्ठी एकदम तीखे निकले हुए सींग, और गाय आगे से पतली और पीछे से बहुत चौड़ी। इसका पीछे का जो हिस्सा होगा, आप देखिए एक और ये खड़ी है, इसका नाम जमुना है। आप ये देखिए इसके पीछे का, आप थोड़ा दिखाएंगे संदीप भाई, पीछे से देखिए कितनी चौड़ी होती है, और आगे जैसे जैसे आप जाएंगे वो आप देखेंगे कि एकदम पतली होती जाती है। सांड में ये जो हिस्सा है, ये आपको आगे से बहुत चौड़ा मिलेगा और पीछे से बहुत पतला मिलेगा, लेकिन गाय में आपको हमेशा पीछे से बहुत चौड़ा और आगे से बहुत पतला। ये भी एक और हमारी थरपारकर गाय है। पर ये जो मूल नस्लें जो अपना विलुप्त होने के कगार पे थी, हम ये ज्यादा की कोशिश करते हैं कि इन नस्लों को, इनसे एक बछड़ा या एक बछड़ी किसी भी माध्यम से हमको मिल जाए, तो ताकि ताकि जो ओल्ड ब्लड लाइन है, पुराना जो गोवंश का जो वंश है, उसको हम बचाए रख सकें। जिनका एक टाइम का 9-9, 10-10 लीटर दूध हुआ करता था, जिनको हम कहते थे कि एक दिन का गाय 20-24 लीटर दूध दिया करती थी। कृष्ण जी के जमाने में मानते हैं कि 30-30 लीटर दूध, एक इसकी आप अगर मिल्क वेन देखें इस गाय की, मिल्क वेन भी कितनी प्रोमिनेंट है। हमेशा जब हम गाय खरीदने जाते हैं, हम उसके मिल्क वेन पे ध्यान नहीं देते। ये इसकी मिल्क वेन है, देखिए आप, ये मिल्क वेन है इसकी। तो देख सकते हैं दूध की जो नस, देसी भाषा में जिसे कहा जाए, वो भी देख सकते हैं काफी उभरी हुई। एक किसी भी गार्डन में पड़े हुए एक जो पानी देने वाली जो नलकी होती है, उसके 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 बराबर इसकी जो हमें मिल्क वेन, ये देख सकते हैं बल खाई हुई सांप की तरह लिपटी हुई, नीचे जो देख सकते हैं, जो कि शरीर से दूध को कैरी करती है अडर तक, लेवटी तक। और ये देख सकते हैं इस तरह की जो बुजुर्ग हैं, इसको काफ़ी महंगा यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि क्योंकि इससे इसके ब्लड को बचाए रखने की, इसके वंश को बचाए रखने का इनका ये जो भरपूर प्रयास है। लेकिन यहाँ पर जिनको अज्ञानता की वजह से जो हंसी उड़ाते हैं कि बुजुर्ग अवस्था में इस गाय को इतने महंगा जो आपने खरीदा है, दो बात मैं उसके बारे में भी जरूर जानना चाहूंगा कि कैसे मखोल का पात्र हमें बनाया जाता है। जब मैं इसको लेकर आया तो इसके दो थन खराब थे, ये 7 बार बच्चा दे चुकी थी। अभी इसने हमारे को मेल काफ दिया है, यानी कि बछड़ा दिया है। अभी वो हमने 24 घंटे इसके माँ के साथ ही छोड़ रखा है, ये भी जंगल से आई है, गलती से इस बाड़े में आ गई। इसको और इसके बच्चे को हम 24 घंटे साथ रखते हैं, जो भी इसका दूध बनता है इसको हम अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, और ये और इसका बच्चा हमेशा साथ रहने के कारण बच्चे को जब जब भूख लगती है वो इसका दूध पीता रहता है। तो अभी वो आप देखेंगे मात्र 15 दिन का है, आप थोड़ी देर में आपको वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि 15 दिन का बछड़ा आज क्या सेहत गेन कर रहा है। तो अब अगर वो बछड़ा होता है, हमें ऐसा हमारा मानना है कि कम से कम भी ये 4-5 बार और अभी भी आएगी, तो उस समय भी हम यही करेंगे कि इसकी बछड़ी को इसके साथ ही छोड़ेंगे ताकि वो भरपूर दूध पिए। और ये जो ब्लड लाइन है, ये इस सृष्टि को छोड़कर जाने से पहले अपनी एक ब्लड लाइन यहाँ और देके चली जाए। एक अभी हमारे पास में नंदी महाराज आ चुके हैं छोटे, और आशा करते हैं कि हमें इसे कुछ बछड़ियां भी मिल जाएंगी, ताकि आगे जो संवर्धन का कार्य है, ये जो मूल नस्ल जो नष्ट होनी थी, इसको बीज को हम सुरक्षित रख रहे हैं। तो ये बीज को सुरक्षित रखना आज हमारे देश का सबसे बड़ा काम है। आप मानिए जीतू भाई, अगर ये बीज हमारे हाथ से निकल गया तो इसको वापस कहाँ से लाएंगे, तो ये एक छोटा सा प्रयास है। तो देख सकते हैं जो जीन, जो वंश, जो हमारा काफी पुराने समय से चला आ रहा है, उसको विलुप्त न होने दे, उससे पहले हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इनका कठिन प्रयास है, तो देख सकते हैं ऐसी जो पुरानी ब्लड लाइन इन्होंने यहाँ पर बचा के रखी हुई है, ये काफी सराहनीय योगदान। इस बूढ़ी माई को भी आप देख सकते हैं, ये भी जो देख सकते हैं काफी पुरानी जो ब्लड लाइन है, काफ़ी पुरानी ब्लड लाइन की गायों के ऊपर जो ये यहाँ पर बूढ़ी गायों को ला करके जो कार्य किया जा रहा है, वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है इस तरह की नस्लों को विकसित करने में, इनकी बछड़ियाँ बछड़े प्राप्त करके, उनका लालन पालन करके, और फिर नस्लों, ये देख सकते हैं
दूध उत्पादन क्षमता, और देख सकते हैं ये गाय भी मेरे लिए नई है, और ये देख सकते हैं मुठिया थन है, मुट्ठी में पकड़ें आराम से दूध निकालने में आपको सुगमता होगी। और देख सकते हैं थनों के बीच जो अंतर है, ये देख सकते हैं खुले खुले थन हैं, अडर का जो साइज है, अडर का जो जो बनावट है पूर्णतः विकसित अडर है, मिल्क वेन आप देख सकते हैं। तो इस तरह नस्लों पर जो कार्य मोकलावास की इस गो संवर्धन आश्रम में जो किया जा रहा है, ये काफी बेहतरीन कार्य। ये एक गाय हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर आए थे, आपको जानकर अचंभा होगा, इसका नाम लक्ष्मी है। लेकिन आप देखिए ये जो गाय हम लेकर आए, इसको लक्ष्मी हम नाम से पुकारते, ये गाय जब आई थी तो इसको भी लोगों ने कहा कि साहब ये तो अब एक या दो बार भी मुश्किल से भी आएगी, तो भी हम इसको लेकर आए। और उसके बाद देखिए आज जो इसका परिणाम देखेंगे आप चौंक जाएंगे। मैं आपको इसकी बछड़ी दिखाता हूँ, हमें अभी तक इससे सिर्फ एक बछड़ी प्राप्त हुई है और उसके बाद ये ग्याबन होना बंद हो गई। ये देखिए आप देख सकते हैं अभी ग्याबन नहीं हो पा रही है, ऐसी बुजुर्ग अवस्था में ऐसे गोधन को ढूंढ ढूंढ करके, और जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के दूर दराज के जो गाँव में है, जो बालू के जो लंबे लंबे जो रेतीले टीले हैं उनमें जो घर हैं वहां से ढूंढ करके लाई गई है, ताकि इस ब्लड लाइन को विलुप्त होने से पहले हम इनको बचा सकें। तो इसकी बछड़ी को यहां पर जरूर दिखाएंगे। ये जो लक्ष्मी है ये आप देखिए, इतने प्रोमिनेंट फीचर आज आपको लक्ष्मी देखिए, इसका अडर देख सकते हैं, उसी की बेटी, वो जो बूढ़ी माई अभी दिखाई थी उसकी बेटी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं शुद्धता और दूध उत्पादन क्षमता में इसकी जो अडर है, ये देख सकते हैं लेवटी, सटीक थन पास से हैं, दूर दूर थन हैं, थनों की बनावट आप देख सकते हैं बिल्कुल चौरस लेवटी है, और देख सकते हैं थनों से शुरू होकर के ये जो नीचे वाली जो स्किन है, चमड़ी है, ये देख सकते हैं पूरा मुँह तक जाती है यहाँ तक। तो ये जो नस्ल की शुद्धता है, क्योंकि जितना भी इसमें जो हीट होता है गर्म जलवायु की गाय होने की वजह से, इस झालर से ये हीट को बाहर छोड़ती है, अपने शरीर से ज़्यादा जो एक्सेस जो तापमान है उसको अपने आप को ठंडा रख पाने में थोड़ा सा चलाएं, वो काफ़ी मददगार होता है। और ये देख सकते हैं आप, किसी भी तरह का हाथ लगाने से झिझक नहीं रही है, और ये देख सकते हैं नस्ल का शुद्धता, थनों की जो बनावट है ये देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी शानदार, दूध उत्पादन क्षमता और नस्ल की शुद्धता में ये गायें देख सकते हैं 100% उत्तीर्ण है। जो लोग आज हमारे ऊपर हंसते थे ये कैसी आप बुड्ढी गाय लेकर आए, आज जब ये बछड़ी इसकी तैयार होती है तो वही लोग कहते हैं सर क्या साहब हमको दे देते, ये गाय हमें दे देते तो हमें भी ये बछड़ी प्राप्त हो जाती। उस समय मखोल उड़ाने वाले लोग आज हमारे को बार बार साधुवाद देते हैं कि चलो ऐसी गायों की आपने एक, अब जिसको कहते हैं ना ब्लड लाइन सुरक्षित करना, ये आज हमने उसकी ब्लड लाइन देखी। देख सकते हैं ये जो प्रयास है ये असरकारी और असरकारी प्रयास हैं, किसी भी प्रकार के जो सरकारी तंत्र है उससे बाहर रह करके इन्होंने ये जो कार्य करके दिखाया, किसी भी प्रकार का सरकारी मदद इन्होंने प्राप्त नहीं की है। ये देख सकते हैं इसकी माँ, बुजुर्ग अवस्था में इसको लाया गया था, ये देख सकते हैं ऐसी बूढ़ी माई से इन्होंने वो जो बछड़ी जो प्राप्त की है, इसको सही मायने में नस्ल संवर्धन का कार्य कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप, अगर आज लाखों रुपए भी इसका मूल्य किया जाए तो भी ये इस बछिया को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ब्लड लाइन जो पुरानी ब्लड लाइन इसने सुरक्षित रखी है ये काफी सराहनीय है। ये देख सकते हैं आप, काबिले तारीफ, ऐसे युवाओं का मैं तहे दिल से नमस्तक होकर अभिनंदन जरूर करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इस गोधन के लिए मैं बिल्कुल नया हूँ, हाथ लगाने से झिझक नहीं रही है, ये देख सकते हैं मुठिया थन, थनों की बनावट आप देख सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता के लिए एक बार मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा, कितनी बार इसने बच्चे को जन्म दिया है, क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता इसने दिखाई है। ये अभी दूसरी बार ही भी आई है, ठीक है, अभी इसका 9.5 लीटर दूध है एक टाइम का, और मेरा मानना है कि जब एक टाइम का 9.5 लीटर हाँ, तो तकरीबन 19 लीटर और मेरा मानना है कि तीसरी बार ऐसा बोला जाता है जब गाय तीसरी बार भी आती है तब वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल का दूध निकालती है, तो अगली बार जब ये भी आएगी तो 10 लीटर से ऊपर इसका दूध रहेगा एक टाइम का। तो देख सकते हैं 20 लीटर क्रॉस करवा पाए हैं
ऐसी गाय को बचा करके और ऐसी उससे बछड़ी प्राप्त करके जो कि तकरीबन अगर उसी परिवेश में रहती, उसी पाकिस्तान बॉर्डर पर रहती, तो शायद अब तक अपना शरीर पूरा कर जाती और जो ये आने वाली उनकी जो बछड़ियां हैं वो हम शायद इस दुनिया में नहीं देख पाते हो। तो देख सकते हैं काफी सराहनीय कार्य। मेरा युवाओं से एक निवेदन है कि हम लोग ऐसे सीधा सोचते हैं कि हम गायें ले आए सीधी दूध वाली, आज देखिए सीधा दूध वाली गाय मिलना बहुत मुश्किल है। हम छोटा सा प्रयास करें, जब भी हम काम करते हैं उसमें हम अगर 10 गाय लाते हैं तो 2 या 3 गाय जिसकी ब्लडलाइन बहुत अच्छी हो, भले वो 7 बार भी आ गई हो, भले 8 बार भी आ गई हो, लेकिन हमें लगता है कि वो 1 या 2 बार भी और भी आएगी तो उसके माध्यम से उसकी ब्लडलाइन को सुरक्षित करना चाहिए, ताकि आने वाले जब आपका ये प्रोजेक्ट जो चलता है 3 या 4 साल में आपके पास इस तरह की बछड़ियाँ आ जाती हैं जिनमें आपको कभी भी ये सोचने का मौका नहीं रहता कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, उल्टा आपको बहुत हर्ष होता है कि देखो मैं उस बुड्ढी गाय को लाया था, वो आपको नुकसान नहीं होने देती है, उसके बाद जो उसकी ब्लडलाइन यानी जो उसकी बछड़ी होती है वो उसके सारे नुकसान की भरपाई कर देती है। और आप इतनी बड़ी ब्लडलाइन, इतना बड़ा जो रक्त इसका जो चला जाता उसको बचाने के लिए आप इसका आपका एक श्रेय आपको जाता है कि भाई मैंने ये लाइन जो है इसकी बचाई है और अब देखो उसी की लाइन को मैं आगे चला रहा हूँ। तो देख सकते हैं हमारे समाज में ऐसे उदाहरण निहाल, जो राकेश निहाल सर हैं, उन्होंने खड़े करके दिखाए हैं, जो लीक से हटकर हैं और हमारी जो पवित्र स्वदेशी मूल की जो गोदन है उनको बचा पाने में, उनका संरक्षण करवा कर पाने में और उनका संवर्धन कर पाने में काफी काफी सराहनीय इनके कदम हैं।